हाँ जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। हमारा इश्यू ऑफ जो शेयर चैप्टर है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो आइए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी की, इन पर डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। और इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी इसे लॉ ने सेपरेट माना है, डिस्टिंक्ट माना है अपने मेंबर्स से। मेंबर्स अलग हैं, कंपनी की खुद की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आइए, हमने क्या क्या लिखा है इस पर एक बार डिस्कशन करें और पॉइंट वाइज समझें इस बात को कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, हमने यहां पर लिखा है कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, यानी अगर कंपनी कोई काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स बाइंड हो जाएंगे उसके लिए। यानी अगर लॉस होता है कंपनी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस लॉस को मेंबर्स को बियर करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला है। ठीक है, यानी कंपनी अपने फैसले खुद ले सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकती है। ठीक है, सारे काम कंपनी कर सकती है क्योंकि लॉ ने इसे एक सेपरेट एग्जिस्टेंस दिया है, आइडेंटिटी दी है, लॉ ही मानता है। इसीलिए मैंने लिखा इन द आईज ऑफ लॉ इसे क्या माना गया है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स माना गया है कंपनी को। अगली बात हमने यहां लिखी है, इट कैन होल्ड, द कंपनी कैन होल्ड एंड डील विद एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। अपने खुद के नाम पर कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी में डील कर सकती है, उसे खरीद सकती है, बेच सकती है अपने नाम पर। ठीक है, लेट्स सपोज एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, तो एबीसी लिमिटेड अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, यानी ट्रांजेक्ट कर सकती है, उसमें डील कर सकती है। ठीक है, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्योंकि इसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस है, तो ये भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि इसे लॉ ने एक सेपरेट लीगल एंटिटी दी हुई है। लॉ इसे मानता है कि एग्जिस्टेंस में है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मानता है इसे लॉ। ठीक है, सो वी से इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इवन ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम। अपने नाम में वो बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती है कंपनी। आइए अगली बात करें, अगले हमने लिखा है इट कैन फाइल अ केस, इट कैन फाइल अ केस अगेंस्ट अदर्स एज वेल एज अदर्स कैन फाइल अ केस अगेंस्ट इट। ये खुद भी कंपनी खुद किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहे तो कर सकती है। मेंबर्स को केस फाइल करने की जरूरत नहीं है कि मेंबर्स केस फाइल कर रहे हैं, नहीं, एबीसी लिमिटेड खुद किसी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है। लॉ ने इसे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दे रखा है। और लोग भी, जैसे ये लोगों के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है, लोग भी, बाहर के लोग भी इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर हो गए, लेंडर्स हो गए, जिन्होंने लोन दे रखा है कंपनी को, लेट्स सपोज लोन रीपे नहीं कर रही है कंपनी, तो वो लोग जाकर कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है, अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी इफ कंपनी डज नॉट पे द ड्यू डेट। कंपनी ने जो डेट ले रखा है, जो कर्जा ले रखा है, अगर कंपनी नहीं पे करती है उसको, तो क्रेडिटर कोर्ट में जाके कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट एक बात यह है, बट द क्रेडिटर कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ध्यान से समझिएगा इस बात को, हमने कहा शुरू में ही आपसे कि मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग-अलग हैं। अब जब दोनों अलग-अलग हैं, लोन कंपनी ने लिया है, कर्जा कंपनी ने लिया है, तो क्रेडिटर जो केस फाइल करेगा वो कंपनी के अगेंस्ट करेगा, उसके मेंबर्स के अगेंस्ट थोड़ी ना केस फाइल कर सकता है। तो हमने यही लिखा, अब यही आपको समझाया कि क्रेडिटर कंपनी के अगेंस्ट तो केस फाइल कर सकता है, बट वो केस फाइल नहीं कर सकता मेंबर्स के अगेंस्ट। कंपनी के अगेंस्ट कर ले, पर उसके मेंबर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए, यही बात हमने आपको समझाई, जिसका नाम हमने क्या दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया है कंपनी को। ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है। आइए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है परपीचुअल सक्सेशन।
या एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या है ये समझें आप लोगों के साथ आइए। तो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को मैंने आपके सामने हाईलाइट किया, यहां पर मैं क्या कहना चाहूंगा आपको शॉर्ट में, परपेचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि कंपनी चलती रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी बंद नहीं होने वाली, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, डेथ हो सकती है मेंबर्स की, कोई मेंबर रिटायर हो सकते हैं, सारे मेंबर्स मर सकते हैं, सारे शेयर होल्डर्स मर सकते हैं कंपनी के, बट कंपनी चलती रहेगी, कंपनी तब तक बंद नहीं होगी जब तक कि उसे बंद किया ना जाए, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन, उसका लिक्विडेशन, उसका वाइंडिंग अप जब तक ना किया जाए कंपनी चलती रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लोगों के आने जाने से यानी शेयर होल्डर्स मेंबर्स के आने जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसीलिए इस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में हम आए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए हम सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप से इस स्ट्रक्चर में आए, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, मालिक की डेथ हो गई बिजनेस खत्म हो गया, अब कोई चलाने वाला नहीं है, ठीक है, यहां पर मालिक कभी बिजनेस को चला ही नहीं रहे थे, बिजनेस को तो कौन चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं, मालिक तो केवल पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। तो आपको ये बात समझ में आई कि क्या है परपेचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस का मतलब। अच्छा, मैंने क्या लिखा है, मैं ये भी आपको एक बार रीड करके बता देता हूं, हमने लिखा है अ कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी चलती रहती है, ठीक है, वो बंद नहीं होती, टिल इट इज वाउंड अप, कब तक चलती रहेगी, जब तक कि उसे वाउंड अप ना कर दिया जाए, उसका वाइंडिंग अप ना हो जाए, उसका डिसोल्यूशन ना हो जाए, वाउंड अप का मतलब क्या हो गया, उसका आप डिसोल्यूशन ना कर दें, पार्टनरशिप में पढ़ा था ना डिसोल्यूशन, बिजनेस को खत्म करना, या डिसोल्यूशन आप कह सकते हैं, कंपनीज में हमारे पास एक टर्म है लिक्विडेशन, लिक्विडेशन से भी आप जान सकते हैं, या फिर वाइंडिंग अप, ये सारे टर्म्स यूज हो सकते हैं, जब तक कि आप खुद कंपनी को डिसॉल्व ना करें, लिक्विडेट ना करें, तब तक कंपनी चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। और ये बात कौन कहता है, ये हमारा कंपनी एक्ट कहता है इस बात को ना, इन अदर वर्ड्स अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू लॉ, यानी अगर एक कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो वो केवल लॉ के थ्रू हो सकता है, कानूनी तरीकों से हो सकता है, कंपनी अपने आप से उसकी डेथ नहीं होती कभी भी, जैसे हम लोग रियल लिविंग बीइंग है, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है, हम लोगों की डेथ हो सकती है बट कंपनी की डेथ नहीं होती, कंपनी की डेथ यानी कंपनी का वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, कंपनी का डिसोल्यूशन कब होगा, जब कंपनी लॉ के द्वारा डिसॉल्व की जाए, लॉ उसे बंद करे, ठीक है। आइए आइए इसी बात के लिए आगे समझिए, इसी को मैंने आगे लिखा है एक चीज को, जैसे मैंने आपको बताया भी कि रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेंसी, ल्यूनेंसी क्या है, अनसाउंड माइंड, और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, यानी मेंबर्स रिटायर हो जाएं, उनकी डेथ हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, अब उनकी मेंटल स्टेज ऐसी नहीं है कि वो बिजनेस को चला सकें, इससे, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए, उनके पास पैसा ही नहीं बचा मेंबर्स के पास, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, इससे कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी, वो अपने एग्जिस्टेंस में रहेगी। आइए जी, तो ये हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक थी जो आपके साथ हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम आते हैं आपके साथ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा कंपनीज फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में, जो कि एलएलपी में भी आ गया, यानी पार्टनरशिप में भी अब लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाला गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि कंपनी में जो उसके मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, उनकी एक लिमिट है, एक सीमा है, उससे ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते आप अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से, ऐसा नहीं होगा जैसे सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में होता था कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो ऑनर को, शेयर होल्डर्स को, मालिक को घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा और बिजनेस के लॉसेस की भरपाई करनी पड़ेगी, यहां ऐसा नहीं है, यहां अगर लॉस होता है तो एक लिमिट है जितना उसे पैसा लाना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ भी ना लाना पड़े अगर उसने वो पैसा दे रखा है उस लिमिट में। अब वो लिमिट क्या है, उस चीज को आपके साथ समझते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर दैट इज मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। अनपेड वैल्यू जो है, जो उसने पैसा नहीं पे कर रखा शेयर का, केवल वो देने की लायबिलिटी है उसकी, यानी हमने लिमिट लगा दी,
हमने क्या कहा, आपको मैक्सिमम कितना पैसा देना है, जो आपने देना था पर अभी दिया नहीं है, यानी हमने कुछ पैसा देना आपसे तय किया, यानी एक लिमिट बना दी। ठीक है, इसी को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। हमने एग्जांपल लिखा है यहां पर, हमने लिखा है इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 100, फेस वैल्यू क्या है कंपनी के शेयर की 100 रुपीज, और जो शेयर होल्डर है मेंबर है हैज ऑलरेडी पेड रुपीज 70। अब 100 रुपए के शेयर जो शेयर होल्डर ने खरीदा, मेंबर ने खरीदा, उसमें से 70 रुपए तो उसने पे कर दिए, तो अब बताओ कितनी लायबिलिटी बचेगी। साहब जितना आपने नहीं पे किया उतना आपकी लायबिलिटी बनेगी, 100 का शेयर था, 70 पे कर चुके हैं, तो अभी मैक्सिमम कंपनी आपसे कितना मंगवा सकती है, 30 रुपए मंगवा सकती है, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं मंगवा सकती कंपनी। तो हमने यही लिखा, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड ओनली 4 रुपीज 30, 30 रुपए मंगवा सकती है कंपनी, इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं मंगवा सकती। विच कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, ये पैसा मंगवा सकती है 30 रुपए, इसके अलावा कंपनी कुछ नहीं मंगवा सकती शेयर होल्डर से। ठीक है, तो यही जो एक लिमिट आ गई, इसके कारण हमने क्या कहा, कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पर लायबिलिटी लिमिटेड है। अब ये लायबिलिटी लिमिटेड कैसे तय करेंगे, ये तय करेंगे कि आपने कितना वादा दिया था कंपनी को। आपने कहा मैं 100 रुपए का 100 रुपए का शेयर ले रहा हूं, और 100 रुपए के शेयर पर आपने 70 रुपए कंपनी को दे दिए, तो 30 रुपए अभी आपके देने बाकी हैं, ये लायबिलिटी लिमिटेड है। ऐसे लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है हमारी कंपनी, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है लिमिटेड बाय शेयर का एग्जांपल लिया, लिमिटेड बाय गारंटी भी होंगे। वो कैसे होंगे आपको मैं बताऊं, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा, आपने कंपनी को गारंटी दी है कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, यानी अब आपसे कंपनी मंगा तो सब पैसा तो मांग सकती है, बट एक लिमिट में, कितना, मैक्सिमम 5,000 रुपए, तो लायबिलिटी फिर लिमिटेड हो गई। ऐसा नहीं कि घर से सब कुछ बेच दो और फिर बिजनेस को पैसा दो क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया, नहीं। आर लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर और मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी और द अमाउंट पेबल बाय हिम और नॉट पेड येट, उसी तक सीमित है, इससे ज्यादा आपको नहीं पे करना है इसमें। आइए, तो लिमिटेड लायबिलिटी आपको समझ में आया। अब लिमिटेड लायबिलिटी अगर समझ में आता है तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं आपके साथ कॉमन सील पर। अब कॉमन सील में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने मैंने एक इमेज लगाई है। ये इमेज मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि हम लोगों के स्कूल के समय में भी ना कॉमन सील को लेकर बड़ी समस्याएं होती थी। बच्चे को समझ ही नहीं आता था कॉमन सील होती कैसी है, किसी को लगता था कोई वो रबर स्टैंप होती होगी या इस तरह से कुछ समझता था। तो मैंने एक कॉमन सील आप लोगों के लिए एक इमेज लगाई है, ये मैंने इमेज कहीं से मंगवाई किसी बच्चे से, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट ही था मेरे पास, उसने मुझे एक मैसेज भेजा था कि सर हम लोग कॉमन सील बनाते हैं। मैं कहा आप एक काम कीजिए मुझे एक इमेज भेजिए कॉमन सील की, तो ये इमेज मैंने वहीं से ली है। ठीक है, हो सकता है वो बच्चा वीडियो देख भी रहा हो आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो ये कॉमन सील क्या है मैं आपको समझाऊं कैसे कॉमन सील काम करती है, कॉमन सील क्या है। ठीक है, पहले इसके कैसे ये ऑपरेट होती है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर बात करेंगे इसका यूज क्या है। कॉमन सील ऐसा ही है जैसे आपको याद हो बचपन में आप सिक्का क्वाइन जो होता था ना, 1 रुपए का क्वाइन या 5 रुपए का क्वाइन, उस पर पेपर को रखते थे और उसके ऊपर पेंसिल से स्केच करते थे और क्या बन जाता था, वो ग्रे कलर से पेंसिल स्केच इनग्रेव हो जाता था उसके ऊपर, यानी छप जाता था। ऐसा ही कॉमन सील में भी होता है, इस कॉमन सील के बीच में पेपर को रखा जाता है। ठीक है, इस कॉमन सील के बीच में पेपर को रखा जाता है और उसे हम प्रेस करते हैं, और प्रेस करते हैं तो उसकी कॉमन सील छप जाती है पेपर के ऊपर। तो ये ऑपरेट इस तरीके से होता है। अब आइए मेरे साथ समझिए कॉमन सील क्या है। देखिए, कॉमन सील अगर हम बात करें तो आपको समझ में भी आ रहा होगा एक तरीके से कंपनी के सिग्नेचर हैं, क्योंकि कंपनी लिविंग बींग तो है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी अपने जैसे हम लोग हाथ से साइन करते हैं तो साइन कर नहीं सकती, तो इसके लिए लॉ ने क्या बनाया, कॉमन सील बताई कि कॉमन सील लगेगी कंपनी की, वही कंपनी के साइन माने जाएंगे, सिग्नेचर माने जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है अ कंपनी डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है अपने आप में। ठीक है, इट एक्ट्स थ्रू इट्स एजेंट्स, वो कैसे एक्ट करती है, वो कैसे काम करती है, अपने एजेंट्स के थ्रू वो एक्ट करती है, और इन एजेंट को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हमें बोला जाता है डायरेक्टर्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, आइए आगे समझिए। ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स, अब जो हमारे डायरेक्टर्स हैं ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, तो दे मस्ट बियर
वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाया है उन डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी की सील लगी होनी चाहिए, तभी ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। अगर कंपनी की कॉमन सील सील नहीं लगी हुई तो ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, इट एक्ट एज, अभी जो कॉमन सील है ये कैसे एक्ट करती है, इट एक्ट एज ए ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कॉमन सील क्या है, ये ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी का। अब क्योंकि वही बात, फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं तो सिग्नेचर इस तरीके के बनाने पड़े। हम लोगों को तो इस तरह की सिग्नेचर बनाने की जरूरत नहीं, हम तो हाथ से साइन कर सकते हैं, बट एक कंपनी नहीं कर सकती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए कॉमन सील का कॉन्सेप्ट डाला लॉ ने। आइए जी, तो कॉमन सील नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी कंपनी की। इसके बाद चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 पर आपके साथ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें हम लोग, तो क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो कंपनी को यूनिक बनाती है अपने आप में, जहां पर क्या कहा गया है कि जो शेयर होल्डर है, जिसके पास शेयर है, मेंबर है, उसके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है, वो अपना शेयर सर्टिफिकेट किसी को भी दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है शेयर को अपने। पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में शेयर ट्रांसफर करना आसान नहीं होता था, वहां पे आपको अपना बिजनेस बेचना पड़ेगा, एग्रीमेंट करने पड़ेंगे राइटिंग में, तब जाके बिजनेस ट्रांसफर होगा। और पार्टनरशिप में तो वैसे ही नए पार्टनर को लाने के लिए पहले सबकी परमिशन चाहिए थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है। बट कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी ऑनरशिप, आप अपनी शेयर होल्डिंग किसी को भी दे सकते हैं जस्ट बाय गिविंग योर शेयर्स टू दैट पर्सन। आप अपने शेयर्स उसे दे दीजिए, अब शेयर होल्डर वो बन जाएगा, उसके बदले आप क्या लेते हैं इससे वो कंसिडरेशन है, वो अभी मेरा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जब शेयर्स ट्रांसफर करने की बात आती है तो यहां एक इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि शेयर्स के ट्रांसफर सभी कंपनियां कर सकती हैं। कई लोगों को ये दिमाग में होता है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, केवल पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर अपने शेयर लोगों को दूसरों को दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, शेयर दोनों ही केसेस में, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अब ये दोनों नाम आपके लिए नए हैं, अभी थोड़े देर में हम अगली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, बट यहां मुझे इस टॉपिक पर डिस्कशन करना था इसलिए मैंने नाम लिया। आप समझ सकते हैं प्राइवेट कंपनी एक छोटी कंपनी है जहां पर अपने जानने वालों के पास ही शेयर्स होते हैं, नॉन पर्सन है सब। पब्लिक कंपनी आप कहें तो बड़ी कंपनी है जहां पर बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हो शायद वो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने पर, ध्यान रखिएगा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। आप कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे, कंप्लाई करेंगे, फुलफिल कर देंगे तो आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी को। पब्लिक कंपनी में तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो यही बात मैंने आपके लिए लिखी है। मैं एक बार इसको रीड कर दूं हमने क्या लिखा है यहां पर, फिर आगे चलें। हाँ जी, तो मैंने लिखा है द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस। हमारी जो कैपिटल है कंपनी की उसे हम छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में बांट देते हैं। कैपिटल आप समझते हैं पूंजी, ऑनर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उस पैसे को, उस कैपिटल को हम स्मॉल यूनिट्स में, डिनोमिनेशंस में बांट देते हैं, और जो सब डिनोमिनेशंस में बांटा है वो छोटे डिनोमिनेशंस को ही हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। ईच सच डिनोमिनेशन और यूनिट इज नोन एज शेयर। अब ये जो शेयर है ये ट्रांसफर हो सकता है फ्रीली, ध्यान रखिएगा फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है किसी को भी, टू एनीवन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये सर्टेन कंडीशन की जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं इसीलिए कर रहा हूं, ये कंडीशंस आपने ना, पब्लिक कंपनी में तो कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, ठीक है, पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट प्राइवेट कंपनी की बात करें आप लोग तो प्राइवेट कंपनी में आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, नो कंडीशन। इसीलिए मैंने आपसे बात की कि कुछ कंडीशंस हैं बट वो कहां है, केवल प्राइवेट में है, पब्लिक में कोई कंसर्न कंडीशंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इजीली फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। आइए जी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर आपके साथ मैंने डिस्कस किया क्या है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं अपने, हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर के बाद, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ऑनरशिप। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप का क्या मतलब है समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया एक कंपनी में बहुत सारे मालिक होते हैं, यहां पर लिमिट नहीं है, प्राइवेट कंपनी में तो मालिक कम होते हैं, एक लिमिट है, पर अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसमें
इन्फिनिटी लाखों करोड़ों शेयर होल्डर हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। अब ये जो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, ये अगर बिजनेस को चलाना चाहें तो ये फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं है कि वो सारे मिलकर बिजनेस को चलाना शुरू करें। सोचो एक कंपनी का ऑफिस है और वहां वो लाखों मेंबर सारे शेयर होल्डर मालिक आ गए, एक कह रहा है काम ऐसे करो, दूसरा कहता है कहीं काम ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से होगा, यानी वहां तो पूरे दिन काम ही नहीं हो पाएगा। जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे किसका ऑर्डर फॉलो करें और किसका नहीं करें। तो कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में क्या किया गया, जो ऑनर है हमारे, जो शेयर होल्डर है हमारे, ऑनर है, उनको अलग किया गया। यानी जो हमारे, मैं आपको कहूं तो जो हमारे ये ऑनर हैं, ये बहुत सारे हमारे पास ऑनर हैं, इनको हमने कहा आप अलग बैठिए, आप बिजनेस में मत आइए, ये बहुत सारे बनाने हैं मुझे, ठीक है, आप समझ जाइए जल्दी जल्दी, बस मैं शॉर्ट में बना दूं, ठीक है। ये एन नंबर ऑफ हैं, ये लो मैं जल्दी जल्दी बनाता हूं, बहुत सारे हैं ये लोग, ठीक है। इन्फिनिटी, लेट सपोज 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, 10,000 शेयर होल्डर्स हैं हमारे। अभी जो 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, हम इन्हें कहते हैं आप तो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में ही इंटरफेयर किया कीजिए, यानी आप रूटीन मैटर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, आप परेशान मत होइए। उसके लिए हम क्या रखते हैं, उसके लिए हम कुछ और लोगों को रख देते हैं, ठीक है। हमने कहा कुछ और लोगों को बिठा देते हैं, लेट सपोज ये चार लोग बिठा दिए मैंने, और मैंने इनको क्या नाम दे दिया, मैंने कहा ये है डायरेक्टर्स, और इस सबको मिला के क्या बन गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने कहा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठा देते हैं, इन्हें अपॉइंट कर देते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं इनको, ठीक है। ये शेयर होल्डर्स ने इन्हें अपॉइंट कर दिया। अब जब इन्होंने मिलकर अपॉइंटमेंट किया है तो एक्सपर्ट लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, क्योंकि अपने बिजनेस को डुबाना थोड़ी ना चाहेंगे, तो समझदार लोगों को इन्होंने डायरेक्टर्स अपॉइंट किया। अब ये डायरेक्टर्स कंपनी के रूटीन मैटर्स को, रूटीन मैटर्स में, रूटीन या आप कह दीजिए डेली डेली मैटर्स में डील करेंगे। इनको आने की जरूरत नहीं है, जो हमारे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं इनको आने की जरूरत नहीं है डेली डेली, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यही काम संभाल लेंगे ऑफिस का, यही ऑफिस को संभाल लेंगे, जो कंपनी का ऑफिस है यही संभाल लेंगे उसको, ठीक है जी। ये ऑफिस है, यहां पर स्टाफ बैठा है। अब ये लोग तो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, चार लोग है, हो सकता है एक फाइनेंस संभाल रहा हो, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संभाल रहा हो, एक और कोई, एक परचेज डिपार्टमेंट संभाल रहा हो, एक सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहा हो, अलग अलग डायरेक्टर्स अलग अलग काम कर सकते हैं। बट ये सारे 10,000 लोग आ जाते हैं यहाँ ऑफिस में तो समस्या हो जाती है। तो हमने कहा आप दूर रहिए, डे टू डे मैनेजमेंट से आप दूर रहिए, कंपनी के मैनेजमेंट को किसे चलाने दीजिए, डायरेक्टर्स को चलाने दीजिए। इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा है, कैरेक्टरिस्टिक माना है हमारे पास, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी के मैनेजमेंट को उसके रियल ऑनर्स नहीं चलाते हैं, बल्कि उनके द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स, यानी जिन्हें कलेक्टिवली आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो लोग चलाते हैं। आइए अब मैं एक बार इसको आपको रीड करके बता दूं हमने क्या लिखा है यहां पर। मैंने लिखा है शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ऑनर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं वही तो ट्रू ऑनर हैं, रियलिटी में तो वही मालिक हैं ऑफ द कंपनी, बट दे आर लार्ज इन नंबर, पर वो लार्ज नंबर में है, बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कहा 10,000 शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड फिजिबल दैट दे ऑल कलेक्टिवली मैनेज द डे टू डे मैनेजमेंट इन द बिजनेस और कंपनी। अभी प्रैक्टिकल और फिजिबल नहीं है कि वो डे टू डे मैनेजमेंट को, बिजनेस को संभालने आ जाएं। तो हमने क्या किया, इसीलिए सो अ कंपनी इज मैनेज्ड, तो कंपनी क्या है, मैनेज की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिनका इलेक्शन, यानी जिन्हें इलेक्ट अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं। यही बात मैंने आपको समझाई है। चलिए जी, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, खत्म हो गई। आप इन्हें नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूं, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। चलिए जी, ये कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी है हमारे पास, परपेचुअल सक्सेशन है, देन लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, और फिफ्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, एंड सिक्स्थ हमारे पास है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, या सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। चलिए, तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। हाँ जी बेटा, तो जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं, मैं उनको कुछ डिटेल्स बता दूं हमारी क्लासेस के बारे में। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ये है एस आर अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप हमारी यहाँ सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं
आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं एस आर अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से ही, ठीक है ना। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमारे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, और वहां पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आपका उसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है ये मैं बताऊं। जब आप वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट और क्वेरी लिख सकते हैं और उन पर मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 9261004×7। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, एक अलर्ट आ जाएगा, यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक जनरल क्वेरी आती है बच्चों की हमारे पास कि उन्हें वीडियोस ऑर्डर में नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन वन मिल गया किसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन टू कहाँ है, थ्री कहाँ है, या क्वेश्चन नंबर सेवन कहाँ है। तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, आप जब वीडियोस को देखते हैं तो हम चैनल पर प्लेलिस्ट डाल के रखते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट हमारी क्लास वाइज है, चैप्टर वाइज है। आपको चैप्टर वन की वीडियोस देखने हैं तो चैप्टर वन की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां सारे वीडियोस आपको सिक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप उन्हें सिक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है आगे वाले वीडियोस को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी वीडियो प्ले कर देते हैं तो उससे पीछे कुछ एक बैकग्राउंड मटेरियल होता है, अगर आप उसे देखे बगैर आगे आ गए तो शायद आपको बातें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियोस को देखें तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट वीडियोस का एसेस आपको कैसे मिल सकता है। आप हमारे कंप्लीट कोर्स का एसेस ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है।